नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत आज बिजनौर की स्वाट टीम पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा लूट की घटना में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। SP द्वारा प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया गया है कि बीती 3 जुलाई को मोचीपुरा रोड पर सड़क पर खड़ी महिला से गिरफ्तार दो अभियुक्तों द्वारा मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही 11 जुलाई को भी इन्हीं आरोपियों द्वारा दूधली नहर पर एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने महिला से 1,000 रुपए, पीले धातु का पेंडल और पायल लूट ली थी। SP द्वारा आज घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों जाहिद और शिवू के पास से लूट का मोबाइल, पायल, पीली धातु का पेंडल और 350 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा इनके पास से तमंचा, कारतूस और लूट में शामिल बाइक भी बरामद की है। पुलिस द्वारा आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। थाना किरतपुर में दो लूट की घटना हुई थी, एक 3 जुलाई को, दूसरा 11 जुलाई को, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन, 1,000 रुपया कुंडल मोबाइल फ़ोन गया था। दो साकेत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक मनोज नेवला, जिसके खिलाफ लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं, वो वांछित हैं। इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, लूटे गए जेवरात और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तमंचा सहित इनको पकड़ा गया है। विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका गैंग पंजीकरण होगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।